आज सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जैन ने यह याचिका दायर की थी। सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट बेल पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए हाई कोर्ट से कहा है कि अगली सुनवाई पर वो सत्येंद्र जैन की बेल याचिका पर फैसला ले। हाई कोर्ट ने 28 मई को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 9 जुलाई के लिए टाल दी थी, जिसके बाद सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन आरोपी हैं। ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। ये भी आरोप था कि फर्जी कंपनियों के जरिए आए पैसे का इस्तेमाल जमीन खरीदने या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लोन की अदायगी के लिए किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर जेल अधिकारियों ने धमकी देने के भी आरोप लगाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने डीजी जेल से मंत्री के खिलाफ शिकायत भी की थी, जिसमें कहा गया था कि जैन उनके साथ जेल में दुर्व्यवहार कर रही हैं और उन्हें जेल से बाहर आने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रही हैं। अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं।